Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss here 6.2 exercise from the 6th question. Exercise 6.2 from the 6th question. Up to 5th question already we have done. है ना? तो 6th question देखिए क्या है. What is 6th question? सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से. ना क्वेश्चन को पढ़ना ही बहुत जरूरी होता है. इन द फिगर 6.21 इन द फिगर यहाँ पे फिगर है. आई एम मेकिंग फिगर 6.21 यहाँ पे क्या है. पी क्यू एंड आर ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और यहाँ पे बीच में एक और ट्रायंगल ऐसे बना रखा है लाइक दिस. यहाँ पे फिर एक ट्रायंगल है. आप थोड़ा सा समझो इसको फिगर को ऐसे है ना. यहाँ पे ओ ए बी सी ये फिगर है ये हमारे पास ना. अब देखो क्या लिखा क्या है. गिवन में लिख दो सारा कुछ. एबीसी आर द पॉइंट्स ऑफ द ओपी ओक्यू एंड ओआर स्पर्कली सच दैट एबी इज इक्वल एबी. देखो गिवन में क्या है. व्हाट इज गिवन. एबी पैरेलल पी क्यू. एबी पैरेलल पी क्यू. एबी देखो कहां पे है. एबी पैरेलल टू पी क्यू ठीक है. नाउ एंड एसी पैरेलल पी आर. एसी पैरेलल पी आर ये भी गिवन है. एसी ए सी पैरलर पी आर ये भी एक ट्रायंगल है. ये सीधा ए ऐसे ये ट्रायंगल है ठीक है. शो डैट व्हाट यू हैव टू शो टू प्रूफ. शो का मतलब टू प्रूफ क्या करना है. क्या करके दिखाना है. बीसी पैरलर क्यू आर. देखो कुछ नहीं है. आपको खुद भी खुद पता चल जाएगा कि करना क्या है. बीसी पैरलर क्यू आर करना है. ये तभी आएगा पैरलर अगर ये ओबी अपॉन ओबी इज इक्वल टू ओसी अपॉन सी आर आ जाए. देखो सीधी सी बात है ना. देन व्हाट यू विल यूज बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना. अगर हमारे पास क्या आ जाए. ओबी ओवर बीसी ओबी ओवर बीक्यू इज इक्वल टू ओसी ओवर सी आर आ जाए तो वो अपने आप आ जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या आ जाएगा. बीसी पैरलर क्यू आर आ जाएगा हमारे पास ठीक है. तो ये देखते हैं ये कैसे आए है ना. ये लाइन इसके पैरलर दे रखी है. देखो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं. पी ओ क्यू इन ट्रायंगल पी ओ क्यू व्हाट इज देयर. ए बी ए बी देखो कुछ नहीं है. ए बी पैरेलल टू पी क्यू ये गिवन था यार. देखो कुछ नहीं याद भी कुछ नहीं करना कुछ क्रैम नहीं करना बस आपको ये थेल्स थ्योरम आनी चाहिए. तो ये इसके पैरेलल है तो व्हाट आई कैन राइट ओ बी ओवर बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए ओवर ए पी. ओ ए ओवर ए पी ये लिख दोगे और इसको क्या मान लो फर्स्ट बाय थेल्स थ्योरम उसके बाद देखो. अब दूसरा क्या था. एसी पैरलर पी आर है. एसी ये ट्रायंगल है. पी ओ आर इन ट्रायंगल पी ओ आर इन ट्रायंगल पी ओ आर व्हाट इज देयर. क्या था यहां पे. एसी पैरलर टू पी आर ये गिवन है. ए सी पैरलर टू पी आर तो व्हाट विल बी देयर. देखो ओ सी अपॉन सी आर ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी. ओ ए अपॉन ए पी ये क्या हो गया सेकेंड. ये भी क्यों हुआ भाई थेल्स थ्योरम ठीक है. अब ये भी ओ ए अपॉन ए पी है ये भी ओ ए अपॉन ए पी है. तो दिस इज इक्वल टू दिस दिस इज इक्वल टू दिस. सो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर. ये भी इसके इक्वल है ये भी इसके इक्वल है. तो ये क्या हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट इज देयर. ओ बी ओवर बी क्यू ओ बी ओवर बी क्यू ओ बी ओवर बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओवर सी आर ओ सी ओवर सी आर ये हो गया. अब आप क्या लिख दोगे. नाउ यू कैन राइट हियर डायरेक्टली बी सी पैरल टू क्यू आर. वाई बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. तो ये था बस हमारे ना ये प्रूव करना सच में. इट्स ऑल वेरी इजी. तो नाउ व्हाट इज सेवंथ क्वेश्चन करेंगे अब हम यहाँ पे. सो रीड इट केयरफुली सेवंथ क्वेश्चन. होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ना. तो नाउ सेवंथ क्वेश्चन देखिए. सेवंथ क्वेश्चन देखो. सेवंथ में क्या दे रखा है. सेवंथ में वो ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1. सिक्स पॉइंट थ्योरम कौन सी थी. थेल्स थ्योरम ही पढ़ी थी हमने ना.
प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। वो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल में देखो, एक ट्रायंगल में अ लाइन है कोई ए बी सी, ठीक है, यहां पे इसका मिड पॉइंट है डी, यहां से एक लाइन पैरेलल खींच दी किसके, इसके। देखो क्या गिवन है यहां पे, व्हाट इज गिवन, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल टू ए सी। ये हम वहां पे पढ़ते थे नाइन्थ क्लास में, है ना, ये पढ़ा था हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। देखो वहां पे क्या था, डी भी मिड पॉइंट था, ई भी मिड पॉइंट था, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था अपने एट्थ चैप्टर में, है ना, एट्थ चैप्टर में 8.1 थ्योरम, 8.1 एक्सरसाइज से पहले। अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरलर होगी, और इसके पैरलर भी होगी और इससे हाफ भी होगी। डी ई इज इक्वल टू, ये देखो अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो वहां पे क्या होता था, डी ई पैरलर टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन टू होता था, ऐसा होता था। और इसका कन्वर्स ये था, कि अगर डी मिड पॉइंट है एंड डी ई पैरलर टू बी सी है तो इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो तीन साइड होती है ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल का मिड, एक साइड का मिड पॉइंट है, एक लाइन के पैरलर लाइन है, इस लाइन का मिड पॉइंट हो गया, इस लाइन के पैरलर होगी, बची तीसरी साइड इसकी एसी, तो वो क्या करेगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी करेगा, मतलब इस थर्ड लाइन को ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ए इज इक्वल टू ए सी, ई सी आना चाहिए, ठीक है। अब ये वहां तो हमने देखो नाइन्थ क्लास में कैसे पढ़ा था, इसको एक्सटेंड करके, इसको ऐसे करके, है ना, वो एक्सटेंड करके हमने किया था ये प्रूफ। अब यहां पे उसने ये कह दिया सिर्फ डी इसका मिड पॉइंट है, ये लाइन इसकी पैरेलल है, तो शो करो इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर, टू प्रूव ए ई इज इक्वल टू ई सी, इसका मतलब यही है भैया, डी ई बाइसेक्ट का मतलब ही ए सी को बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ए इज इक्वल टू ई सी। अब कैसे करोगे, उसने कहा बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो वो कैसे करोगे, देखो अब प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट गिवन है और डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, और यहां पे मिड पॉइंट की बजाय ये लिख दो कि ए डी इज इक्वल टू बी डी है, AD इज इक्वल टू क्या है, BD है, और DE पैरेलल क्या है, BC। अगर DE पैरेलल टू BC है तो देन व्हाट विल बी देयर, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय थेल्स थ्योरम, ये यूज कर सकता हूं बाय थेल्स से। अब AD इज इक्वल टू क्या है, BD गिवन है, तो AD की जगह में मैंने क्या लिख दिया, BD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC, ठीक है। अब बीडी के साथ बीडी कैंसिल हो गया, वन बाय वन आ गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यही प्रूव करना था, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। तो ये था हमारा सेवंथ सम, ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना। तो ये था सेवंथ सवाल, अब पढ़ते हम एट्थ, एट्थ भी कुछ ऐसा ही है, रिलेटेड टू नाइन्थ क्लास है थोड़ा सा। एट्थ में देखिए क्या है, एट्थ सम, थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, यहां से ना कैमरे की सेटिंग कर लूं, दिखाई दे ही रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो एट्थ क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2, 6.2 का मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, अभी हमने पढ़ी थी। तो नाउ व्हाट इज देयर, प्रूव्ड एट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, प्रूव्ड एट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो ये कह रहा है, देखो एक ट्रायंगल है, यहां पे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और यहां पे एक लाइन है डी ई, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, दीज आर मिड पॉइंट्स, यही बोला ना उसने, प्रूव्ड एट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स,
ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इस लाइन का ये मिड पॉइंट हो गया, इस लाइन का ये मिड पॉइंट हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, समझ आई आपको क्वेश्चन? ठीक है, तो AD इज इक्वल टू BD है एंड बी ए ही इक्वल टू EC है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये लाइन इसके पैरेलल। अब देखो सबसे पहले गिवन लिख दूं मैं, व्हाट इज गिवन, AD इज इक्वल टू BD एंड AE इज इक्वल टू EC, ये क्या है, गिवन है। नाउ व्हाट इज टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है जी, DE पैरेलल टू BC। ठीक है, अब देखो प्रूफ, प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहले गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू BD, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, वी कैन राइट हियर AB ओवर BD इज इक्वल टू 1। यहां पे देखो इसको इसके नीचे ले आऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसको तो इसके नीचे भी तो 1 ही आएगा, तो यही आ जाएगा। देखो मैंने AD के नीचे BD लिख दिया, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, इसको लिख दो फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा क्या गिवन था यहां पे, AE इज इक्वल टू EC, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिवन, तो इसको कैसे लिख लोगे, AE ओवर EC इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 1, इसको क्या मान लो सेकंड। अब 1/1 लिख दो भैया, कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वट विल बी देयर, AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC। अब ये देखो इधर, AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो DE पैरल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ मिड सॉरी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। नाइन्थ में हमने इसको क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम, क्या होती थी मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना, तो ये लाइन पैरल टू ये लाइन, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरल भी आ जाएगी, इक्वल टू हाफ ऑफ इट भी आ जाएगी, जब हमने नाइन्थ में पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में। अब यहाँ पे ये क्या था, डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, हमें शो करना था ये लाइन इसके पैरल है मिड पॉइंट थ्योरम ही, लेकिन बाय यूजिंग 6.2 थ्योरम करना था, तो वो हमने आपको करके दिखा दिया, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, कौन सी थ्योरम, 6.2। ठीक है, तो ये था 8th सम, नाउ हम करेंगे 9th सम। नाइन्थ देखो क्या है, नाइन्थ देखो जरा, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ में देखिए क्या बता, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, यहां पे मैं आपके सामने ट्रेपेजियम बनाऊंगा, ए बी सी डी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम होता क्या है, अरे भैया ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ट्रेपेजियम देखो द क्वाड्रिलेटर हुज वन ऑपोजिट पेयर इज अ पैरेलल, वो होता है ट्रेपेजियम है ना, जिसका वन ऑपोजिट पेयर क्या हो, पैरेलल, जैसे अब मैंने इसमें ये इसके पैरेलल ले लिया है ना, तो गिवन में मैं यहां पे लिखूंगा, गिवन में ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल क्या है, सी डी, आगे लिखा भी हुआ है, एंड इट्स डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसके डायगनल्स ये हो गए जी, ये डायगनल्स इंटरसेक्ट हो गए जी ईच अदर एट ओ, ठीक है, या लिख दो डायगनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। नाउ शो दैट, टू प्रूव क्या करना है भैया, अब ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ, ठीक है। अब यही क्वेश्चन देखो बहुत आसान बन जाएगा जब हम 6.3 एक्सरसाइज कर लेंगे, अभी मैं आपको वो मेथड इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हमने अभी सिमिलरिटी रूल्स नहीं किए, जब सिमिलरिटी रूल्स कर लेंगे तो आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू है ना, लेकिन तब तक मुझे किसी और मेथड से बताना पड़ेगा, 6.3 एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। अब देखो अब मैं करूंगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा बेटा, देखो एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू, ड्रॉ ए लाइन एल, चाहे तो पैरेलल ए बी मान लो, चाहे पैरेलल सी डी मान लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, चाहे आप यहां पे ये कर लो ई एफ कर लो यार, यहां पे ड्रॉ ए लाइन ई एफ यहां पे लिख दो, यहां पे आप खुद लोगे ड्रॉ ए लाइन ई एफ पैरेलल टू
पासिंग थ्रू, ये भी लिखोगे पासिंग थ्रू ओ एंड पैरल टू ए बी। आप इसके पैरल भी मान सकते हो, इसके पैरल भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो मुझे ए ओवर बी ओ, ए ओवर बी ओ यहां पे आ रहा है। देखो अगर मैं ये करता है ना यहां पे, ये क्या कर दू, ए ओ ओवर सी ओ इजिकल टू बी ओ ओवर डी ओ कर दी, ए ओ ओवर सी ओ इजिकल टू बी ओ ओवर डी ओ आ जाए तो आसान हो जाएगा ना। देखो देखो इसके बाद अगर ये आ गया तो इसके बाद मैंने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एओ इंटू डी ओ इजिकल टू बी ओ इंटू सी ओ, तो फिर क्या आ जाएगा, एओ के नीचे क्या लिख दो, बी ओ लिख दो इजिकल टू सी ओ के नीचे क्या कर दो, डी ओ कर दो। मतलब मेन प्रॉब्लम मेरी ये है कि ये आ जाएगा, ये देखो ये कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए ओवर सी ओ, ए ओवर ओ सी, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी ए डी सी में, किसमें आ रहा है बेटा, ये ए डी सी में। ठीक है, अब देखो मैं क्या लूंगा, अब यहां पे सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं ऊपर प्रूफ में, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैंने ये माना कि ए बी पैरल टू क्या है, सी बी, एंड ई एफ पैरल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन लिखा था ये, और ये क्या था, गिवन। तो इसका मतलब क्या होगा, सी डी पैरलर ए बी है, ई एफ पैरलर ए बी है। देखो क्या हुआ, ई एफ जो है वो पैरलर ए बी है, ये मानिए हमने कंस्ट्रक्शन, और ए बी पैरलर क्या है, सी डी है। अब देखो सी डी भी पैरलर ए बी है और ई एफ भी पैरलर ए बी है, देखो ये लाइन भी इसके पैरलर है और ये लाइन भी इसके पैरलर है। तो हमने नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, सिक्स चैप्टर में, लाइन्स विच आर पैरलर टू द सेम लाइन आर पैरलर टू ईच अदर। अगर देखो ये लाइन है एल, ये लाइन है एम, ये लाइन है एन, अगर एम पैरलर एल है, ये लाइन इसके पैरलर है और एन पैरलर एल है, तो दीज मस्ट बी पैरलर टू ईच अदर। लाइन्स लाइन्स ये लाइन्स विच आर पैरलर टू द सेम लाइन, एल के पैरलर है ये भी और ये भी, तो ये आपस में भी क्या होंगी, पैरलर होंगी। सो नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर, यहां पे सी डी भी पैरलर ए बी है, ई एफ भी पैरलर ए बी है, सो ई एफ पैरलर टू सी डी, और यहां पे लिख दो आप लाइन्स विच आर पैरलर टू द, लिखोगे आप, मैं बोल रहा हूं लाइन्स विच आर पैरलर टू द सेम लाइन आर पैरलर टू ईच अदर, ये रीजन यहां पे लिख देना। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो इधर अब ए ओवर सी ओ चाहिए मुझे, ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है यार, देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी एंड सी, इसमें क्या आ गया, ई ओ, मतलब यहां पे ई एफ पैरलर टू क्या है, सी डी है, ई एफ पैरलर सी डी, ये लिखा प्रूव्ड अबव कर दो यहां पे, प्रूव्ड अबव ये लिख दू मैं, यार प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव कि ऊपर हमने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद अगर ई एफ है तो ई ओ पैरल टू सी डी होगी, वाई, बिकॉज सेम लाइन। अरे भैया ये ई एफ और ई ओ सेम लाइन ही तो है, ई एफ और ई ओ सेम लाइन तो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप यहां पे ए ई ओवर, ए ई ओवर डी सी, ए ई ओवर सॉरी ए ई ओवर ई डी इजिकल टू ए ओ ओवर ओ सी, ये क्यों हुआ भैया, इसको फर्स्ट मान लो और बाय थेल्स थ्योरम लिख दो, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखो अब मुझे लेके आना था बी ओवर डी ओ, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है भैया, देखो इन विच ट्रायंगल इट इज, ये बता दिया मैंने, बी ओ ओवर ओडी, यही आना था ना, बी ओ ओवर ओडी, तो ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, इसमें फिर वही ई ओ पैरल टू ए बी है, अरे भैया ये लाइन इसके पैरल तो ली थी हमने, बिकॉज यहां पे लिख दो ई एफ पैरल टू ए बी, ई एफ पैरल टू ए बी, ये लिखा था हमने। ठीक है, अब सो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, मुझे ए ई ओवर ई डी लिया था मैंने यहां पे, तो यहां पे भी आप ऐसे ही ले लो, ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू, ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू बी ओ ओवर ओ डी, इसको मान लो सेकेंड बाय थेल्स थ्योरम। अब फिर देखो आपको समझ आ गया होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हियर ए ओवर ओ सी, ए ई ओवर ई डी, ए ई ओवर ई डी इसके इक्वल है,
ए ई ओवर बी डी इसके इक्वल है, तो ये क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा बी ओ ओवर ओ डी इज इक्वल टू ए ओवर ओ सी, ए ओ ओवर ओ सी, तो अब यहीं से आ जाएगा बस क्वेश्चन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी ओ ओवर ओ सी इज इक्वल टू ए ओ ओवर ए ओ वन इंटू ओ डी, तो अब ये क्या कर दो, क्या चाहिए था मुझे ए ओवर बी ओ, तो ये देखो ए ओ ओवर बी ओ, तो उधर लिख दो यार ये क्या है बी सी ओ के नीचे क्या है डी ओ, तो ये ओ सी हो गया ओवर ओ डी इज इक्वल टू ए ओ ओवर बी ओ, उसके नीचे लिख दो, यहां से दिख भी रहा है भैया, दिखना यार यहां से दिखाई दे रहा है, अरे थोड़ा सा रह गया ना, कोई बात नहीं मैं ये कंसेप्ट आगे लिख लेता हूँ, इसके बाद भैया मैं ये कह रहा था बस कुछ नहीं है आ चुका है, ये है ना बी ओ इंटू ओ सी, ये लिखा था यहाँ पे बी ओ इंटू ओ सी इज इक्वल टू ए ओ इंटू ओ डी, यहाँ पे ए ओवर बी ओ इधर और ओ सी है ये ओ सी इसके नीचे ओडी लिख दो, इधर आ जाएगा ओडी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ए ओ और बी ओ इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यही प्रूव करना था भैया, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी है ना, तो नोट इट डाउन, नाउ टेंथ सम, टेंथ में क्या है बेटा उसका उल्टा है, नाइन्थ का कन्वर्स है, याद रखना, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेंट ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, द डायगोनल्स ऑफ ए जे देखो यहां पे डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, यहां पे एक क्वाड्रिलेटर है, अब यहां पे ट्रेपेजियम नहीं गिवन है, क्वाड्रिलेटर कह रहा है, इट इज ओनली क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसके डायगोनल्स, इसका डायगोनल ये होगा, इसका डायगोनल ये होगा, डायगोनल क्या होता है भैया, अरे भैया डायगोनल क्या होता है, डायगोनल सिक्स्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने, डायगोनल क्या होता है भैया, डायगोनल द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स, दो यो लाइन दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाती है, नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब ये जैसे कंसेक्यूटिव हो गए और ये बीच में रह गया तो ये नॉन कंसेक्यूटिव हो गए, और जे और जी और एक क्वाड्रेंट में दो ही डायगोनल होते हैं, ठीक है, चलो ये था डायगोनल्स, अब एक क्वाड्रेंट एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट दिस शो दैट एबीसी इज अ ट्रेपीजियम, तो अब गिवन क्या होगा ये भैया, गिवन वो दे गया क्या जो उसमें नाइन्थ में प्रूव करना था ना, वो गिवन है आप यहां पे, वो क्या है गिवन, इसी को कहते हैं कन्वर्स, ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ, ध्यान से देखो जो बात उसने नाइन्थ में टू प्रूव करनी थी वो अब गिवन दे दी, और वहां पे एबीसीडी ट्रेपीजियम लिखा हुआ था गिवन था, अब यहां पे प्रूव करना है, एबीसीडी ट्रेपीजियम प्रूव करने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी पैरलर सी डी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रेपीजियम होता क्या है, हुज वन ऑपोजिट पेयर इज पैरलर, ठीक है, तो अब इसमें मैं ए बी पैरलर सी डी करना चाहूंगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो भैया, बिल्कुल वैसे उसका ऑपोजिट है, मैंने यहीं पे एक लाइन ले ली, ड्रॉ ए लाइन यहीं पे ले लो आप, अरे भैया यहीं पे उसमें भी यहां तक ही ले सकते थे हम, ड्रॉ ए लाइन, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन ई ओ थ्रू, ये लिखोगे ड्रॉ ए लाइन थ्रू ई ई ओ सच दैट ई ओ पैरेलल टू ए बी, चाहे ए बी के पैरेलल मान लो, ये चाहे आप इसके पैरेलल मान लो, सी डी के पैरेलल मान लो, एक ही बात है ना, अब देखो ध्यान से ई ओ पैरेलल ए बी मान ली मैंने, ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखो ये क्या गिवन है, ए बी डी में EO पैरल टू AB है, ये लाइन इसके पैरल है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, वट विल बी देयर, देखो इधर ध्यान से CO ओवर DO भी लेना पड़ेगा भैया, चलो कोई बात नहीं देखते हम क्या होगा, EO पैरल क्या है AB, तो यहां पे क्या हो जाएगा AE ओवर ED इज इक्वल टू BO ओवर DO, ये बाय थियल्स थ्योरम ये आ गया है ना, इसको फर्स्ट मान लो बाय थियल्स थ्योरम, अब गिवन क्या था, देखो गिवन क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से
गिवन क्या था, ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ, ये गिवन था। देखो इसको मैंने बी ओवर डी ओ की फॉर्म में लिखना है, बी ऊपर ले जाऊं सी ओ नीचे ले आऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आ जाएगा ए ओ नीचे आ गया सी ओ, नीचे क्या आ गया सी ओ इज इक्वल टू बी ओ ऊपर चला गया ओवर डी ओ। अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया सेकंड हो गया। अब देखो ये भी बी ओवर डी ओ, ये भी बी ओवर डी ओ, तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा ए ई ओवर, ए ई ओवर ई डी, ए ई ओवर ई डी, ठीक है, एंड इज इक्वल टू ए ओवर ओ सी इज इक्वल टू ए ओ ओवर ओ सी। अब देखो किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी में अगर एई ओवर ईडी, एई ओवर ईडी इज इक्वल टू ए ओवर ओ सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, सो ई ओ पैरेलल टू सी डी, वाई बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये होता है ना जब एक ट्रायंगल में ए अपॉन ईडी इज इक्वल टू ए अपॉन ऐसे आ जाए, रेशियो इक्वल आ गई है, तो वो जो लाइन इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन इसके क्या होती है पैरेलल होती है, यही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताती है हमें। तो अभी ये क्या हो गया ईओ पैरेलल क्या आ गया सीडी, लेकिन हमने ये नहीं करना था, हमें तो एबी पैरेलल सीडी करना था, तो वो कैसे करेंगे, ईओ पैरेलल क्या है सीडी है, एंड ईओ पैरेलल, ईओ पैरेलल एबी भी है, ये हमने किया था ये बाय कंस्ट्रक्शन किया था ना, बाय कंस्ट्रक्शन या बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, तो ईओ सीडी भी इसके पैरेलल है, एबी भी इसके पैरेलल है, सो देन सीडी पैरेलल टू एबी, सीडी पैरेलल क्या आ गई एबी, ये लाइन इसके क्या आ गई पैरेलल। फिर आगे लिखोगे अब आप इफ, सो इसके बाद लिख दोगे सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, तो अब क्या लिखोगे सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, क्यों, इफ वन ऑपोजिट पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ये रीजन लिखना है जो मैं बोल रहा हूं, इफ वन ऑपोजिट पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज पैरेलल देन इट इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 सम्स, इसके बाद हम करेंगे क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, और बेटा ये मेरे को ध्यान से करते रहो ये सारा चैप्टर, है ना, एक एक करके 5-6 एक्सरसाइज है इसकी, अगर आपने शुरू में अच्छे से नहीं किया तो लास्ट में समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये वीडियो को अच्छे से देखो, उसके बाद फिर करो, अगर आपको साथ साथ किया करो ना, पॉज कर लिया करो, पॉज करके पहले एक बार सवाल समझो, जो ज्योमेट्रिक ऐसे समय पहले आप एक बार समझो, है ना, पूरा समझ के उसके बाद करना शुरू कर दो, अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो फिर पॉज करके आप देख लो वीडियो, है ना। तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो यू कैन गिव मी बाय राइटिंग कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो योर प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ये लिखना मत भूलिया करो, कई बच्चे सानिया वगैरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिख के भेजते हैं ना कि सर आई अंडरस्टूड, तो अच्छा लगता है कि हाँ वाकई में आपको समझ आ रहा है, तो जरूर कमेंट करके बताया करो कि आपको समझ आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।